नमस्कार दोस्तों, मैं देवमणि तिवारी चेन्नई स्टूडियो के YouTube लाइव चैनल पर आपको स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक बार मैं आपके समक्ष फिर से उपस्थित हुआ हूं बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण चुनिंदा हिंदी व्याकरण के प्रश्नों को लेकर के। ऐसे प्रश्न जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं और ऐसे प्रश्न जो भिन्न भिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए, जहां पर भी या जिस प्रतियोगी परीक्षा में हिंदी प्रश्न आते हैं, हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न आते हैं, दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि हम एक प्रश्न नहीं हल कर रहे हैं, हम एक प्रश्न के साथ साथ उस प्रश्न में आए हुए उन समस्त तथ्यों के बारे में परिचर्चा करेंगे कि एक प्रश्न के साथ साथ आप चार प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करेंगे। हम एक बिंदु पर हर नहीं बात नहीं करेंगे, हम उन समस्त बिंदुओं पर बात करेंगे जहां पर आप अधिक से अधिक जानकारी को अर्जित कर सकें। दोस्तों, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि प्रतियोगी परीक्षा को पास करना बहुत आसान है, बस आपको ट्रिक पता होनी चाहिए, आपको तकनीकी पता होना चाहिए कि प्रश्न में से उत्तर को कैसे निकालना चाहिए। प्रश्न में ही उत्तर छिपा होता है। मैं बार बार दोस्तों आप लोगों को यह सजेस्ट करता रहता हूं और बार बार आपको बताता रहता हूं कि प्रश्न में ही उत्तर छिपा रहता है। हम उस तकनीक को सीखेंगे जो प्रश्न के छिपे हुए उत्तर तक पहुंचा सके। हम प्रश्न में छिपे उस उत्तर तक पहुंच जा सके, हम उस तकनीक को सीखेंगे। हम प्रश्न में से उस बिंदु को खोजेंगे, उस महत्वपूर्ण तथ्य को खोजेंगे जिसके तहत हम प्रश्नों के एकदम नजदीक, उत्तर के हम एकदम नजदीक पहुंच सके। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, देखिएगा पूरा अंत तक। और अगर वीडियो आपको लाइक लगे तो निश्चित शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी शेयर और लाइक हम लोग को मोटिवेट करते हैं और ज्यादा मेहनत करने के लिए। ये सब बहुत ही कई गुण प्रश्न, कई गुण किताबों से इन प्रश्नों को छाट छाट करके निकाला जाता है, बनाया जाता है। अतः आपसे आ सके यदि आप निश्चित ही वीडियो को देखते हैं, पहले आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तत्पश्चात पूरा का पूरा वीडियो देखेंगे, क्योंकि आपको मुझ पर विश्वास है कि मैं जब भी आपके लिए प्रश्न लेकर के आता हूं तब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आता हूं, नए तरीकों के साथ में आता हूं, नई तकनीकी के साथ में आता हूं, जिससे कि आप हिंदी के व्याकरण के प्रश्न को बहुत ही सहज रूप से हल कर सकते हैं। तो आइए ले चलता हूं सीधे प्रश्न की तरफ। दोस्तों, सीधा प्रश्न है, प्रथम प्रश्न है दोस्तों, लिखित भाषा में, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं, जिस रूप में लिखे जाते हैं, उसे क्या कहते हैं। प्रश्न को पढ़ने की तकनीकी सीखना दोस्तों, प्रश्न को पढ़ने की तकनीकी सीखना है। प्रश्न ही बताएगा उत्तर, हम उस बिंदु को खोजेंगे जिस बिंदु के तहत हम उत्तर को प्राप्त कर सके। आइए जरा देखिए क्या कहा है प्रश्न, कि लिखित भाषा में, कैसी भाषा, लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह, यह ध्यान दीजिएगा, अब आपको बिंदु मिल रहा है दोस्तों, चिन्ह मान लिए गए हैं, मूल ध्वनियों के चिन्ह मान लिए गए हैं। अब किसी ध्वनि के लिए चिन्ह का प्रयोग होता है, यानी वो ध्वनि हटा करके उस स्थल विशेष पर चिन्ह लिख कर दिया जाता है। वो ध्वनि को हटा करके उस ध्वनि के स्थान पर उसके लिए एक चिन्ह का प्रयोग कर दिया जाता है। ऐसी जो व्यवस्था होती है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, वो क्या स्वर है, क्या वह लिपि है, क्या वह ध्वनि है, क्या वह व्यंजन। दोस्तों, मैं पहले ही बता चुका हूँ आप लोगों को व्याकरण में पढ़ाते समय, जरा फिर से ध्यान दीजिएगा, मैंने परिचर्चा की थी कि समस्त विश्व के समस्त लोगों, जो विश्व के इस संपूर्ण संसार में जितने भी प्रकार के जीवधारी हैं, हम मानव की प्रजाति के जो लोग हैं, उन समस्त जीवधारियों में, उन समस्त मानवीय लोगों में जो स्वरयंत्र गले में लगा हुआ है वह सबका सिर, वो चाहे अमेरिका वाला हो, चाहे चाइना वाला हो, चाहे भारत वाला हो, चाहे भूटान का हो, चाहे नेपाल का हो, चाहे जहाँ का भी हो, सभी लोगों के स्वरयंत्र सेम हो। और निकलने वाली प्राण वायु जब स्वरयंत्र से गुजरती है तो जब स्वरयंत्र से गुजरती है तो वहाँ से समान, सबके समान ध्वनि ही निकलती है। उस ध्वनि के लिए जो हम चिन्ह मानते हैं, उस चिन्ह को हम क्या कहते हैं, वही यहाँ पर पूछ रहा
इसीलिए दोस्तों ये जान लीजिए, मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बात बोलने जा रहा हूँ, आपको बताने जा रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा, ध्यानस्थ रहिएगा कि कब कौन सी बात महत्वपूर्ण मेरे मुख से निकल जाए और आपका ध्यान हटा रहे और आप उस बात को समझ ना सके। अतः पूरा ध्यान से मेरे एक एक बात को सुनिएगा, जरा देखिएगा। मैंने एक बात बताया कि समस्त जीव, समस्त मानव जाति के गले पर लगा स्वरयंत्र और वहां से निकलने वाली ध्वनि एक जैसी होती है दोस्तों, इसीलिए हम एक से अधिक ध्वनियों और एक से अधिक भाषाओं को सीख लेते हैं। मैं आंग्ल भाषा भी बोल सकता हूँ, मैं संस्कृत भी बोल सकता हूँ, मैं उड़िया भी बोल सकता हूँ, मैं अमेरिकी, मैं जापानीज भी बोल सकता हूँ, मैं चाइनीज भी बोल सकता हूँ, मैं तेलुगु भी बोल सकता हूँ, मैं कन्नड़ भी बोल सकता हूँ, मैं सब भाषाओं को बोल सकता हूँ, क्योंकि मेरे स्वर यंत्र में और कन्नड़ के स्वर यंत्र में कोई अंतर नहीं है। सिर्फ अंतर किसका है? लिपि का अंतर। किसका है? उन ध्वनियों के चिन्ह का सिर्फ अंतर। इसलिए हम हिंदी में आ ऐसे लिखते हैं, अंग्रेजी में आ ऐसे लिखते हैं, पर दोनों ये क्या है? आ ही है। ठीक है, इसीलिए जब आ के लिए हिंदी वर्ण में आ ध्वनि के लिए हम ए ध्वनि का ही इस्तेमाल करते हैं, तो दोस्तों ऐसी ध्वनियां जिनका चिन्ह रूप में से बना लिया जाता है, लिख लिया जाता है, वह क्या कहलाता है? लिपि कहलाता है। स्वर क्या है? वर्ण है, ध्वनि है, और स्वर ध्वनि क्या है? ध्वन, ध्वनि का मतलब होता है ध्वन, ध्व मतलब गूंज, जो कंपन हमारे गले में उत्पन्न होती है वही ध्वा होता है, उसी कार से वर्ण को ध्वनि कहते हैं। तो बस स्पष्ट हो गई आपको कि जो चिन्ह है वो क्या है, क्या लिखे जाते हैं, तो उसे लिपि कहते हैं। हमने बोला तो हमने ऐसे कर दिया, सोचिए अगर का ऐसे ना होता, किसी और उसी तरह से लिखा गया होता तो साथ आज हम उसको उसी तरह से लिख रहे होते। इसीलिए ध्वनियां सबकी समान है लेकिन लिपि सबका अलग अलग है, प्रत्येक भाषा के लिए अलग अलग लिपियों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? दोस्तों जब दो व्यंजन एक साथ मिलेंगे तो क्या कहलाएंगे? व्यंजनों का एक साथ मिलना, जब एक साथ मिलेंगे तो क्या होगा? संयुक्त, अल्पप्राण, अंतस्थ या महाप्राण। दोस्तों अल्पप्राण और महाप्राण वायु के प्रयोग के कारण से व्यंजन ध्वनियों के भेद है। ऐसे वर्ण व्यंजन ध्वनियां जिनके उच्चारण में कम प्राण वायु का प्रयोग होता है वे अल्पप्राण कहलाते हैं, ऐसी व्यंजन ध्वनियां जिनके उच्चारण में अधिक प्राण वायु का प्रयोग होता है वे महाप्राण कहलाते हैं। अंत्यस्थ ध्वनियां वे ध्वनियां होती हैं जो अपने उच्चारण स्थान को पूर्णतः स्पर्श न करके उसके सीमा तक ही पहुंच करके लौट आती है, जिह्वा सीमा तक पहुंच करके लौट आती है। जैसे अंत्यस्थ वर्ण होते हैं या, वा, या, रा, ला और वा, आप कभी या और वा और रा और ला को बोलेंगे तो दोस्तों आप देखेंगे वो अपने उच्चारण स्थान को स्पर्श नहीं करते, सिर्फ वहां तक जाते हैं और वहीं से लौट आती है जीवा। तो इसलिए दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं ऐसे व्यंजन को हम क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। दोस्तों कहता है कि माहेश्वर में कौन सी संधि नियम समाहित है? आ आ ए आय बना कि आ ई आय बना कि आ और ए आय बना। दोस्तों आ और आ जब समान स्वर मिलते हैं तो दीर्घ संधि होती है, आ और ई जब मिलते हैं तो ए बनता है और उसके लिए संधि कौन सी होती है? गुण संधि होती है। आ और ए जब मिलते हैं तो ए होता है और यहाँ पर वृद्धि संधि होती है, इसीलिए यहाँ पर तीसरा नियम ही। ठीक दोस्तों, अगला शब्द कह रहा है यथाशक्ति शब्द में समास है। यथाशक्ति शब्द में समास है, शब्द कैसा है आपको देखना, शब्द में कौन सा अर्थ प्रधान है आपको ये देखना है। शक्ति के अनुसार अर्थ प्रधान है, क्रिया कैसी की जा रही है शक्ति के अनुसार की जा रही है, के अनुसार का अर्थ प्रधान है अतः इसलिए, और के अनुसार किधर आया है? यथा पद पहले आया हुआ है अतः इसलिए यहाँ पर पूर्व पद का अर्थ प्रधान है और इसीलिए यहाँ पर अव्यय भाव समास होता है। जहाँ पर पूर्व पद का अर्थ प्रधान होता है वहाँ अव्यय भाव समास होता है, जहाँ पर पूर्व पद संख्यावाची होता है वहाँ पर द्विगु समास होता है, जहाँ पर उत्तर पद का अर्थ प्रधान होता है वहाँ पर तत्पुरुष होता है, और जहाँ पर अन्य पद का अर्थ प्रधान होता है दोस्तों वहाँ पर बहुव्रीहि होता है। तो यहाँ पर यथाशक्ति में क्या है आपका? अव्यय भाव समास। बात स्पष्ट हो रही है दोस्तों आपको? आइए, जिस संज्ञाओं से किसी एक ही
व्यक्तियों का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? एक ही प्रकार व्यक्तिवाचक संघ में दोस्तों क्या होता है, मैं भी व्यक्ति हूँ, आप भी व्यक्ति हैं, मैं भी, मेरा नाम भी व्यक्तिवाचक संघ में आता है और आपका भी नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। लेकिन मैं पुरुष हूँ और शायद वीडियो देखने वाला कोई व्यक्ति पुरुष होगा तो हम दोनों में एक यह गुण समान है, अतः इसीलिए वह क्या हो जाएगी, हम दोनों की जात होगी। इसीलिए एक ही प्रकार, आप यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, एक ही प्रकार की बात कर रहा है। जब एक ही प्रकार की बात होगी वहां पर क्या हो जाएगी, वह उसकी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। गर्भवाचक संज्ञा में पदार्थों की बात आती है और भाववाचक संज्ञा में उस वस्तु के भाव की बात होगी। आप देख रहे होंगे दोस्तों कितने महत्वपूर्ण प्रश्न आ रहे हैं आप मन के लिए लेकर के आया हूँ। निश्चित ही आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर चुके होंगे, यह मुझे पूरा विश्वास है और आप करेंगे। आइए अगले प्रश्न की ओर आपको ले चलता हूँ। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द विशेषण, तो दोस्तों विशेषण को पहचानने के लिए आपको करना क्या है, जो शब्द है उस शब्द के बाद या उस शब्द के लिए कोई संज्ञा शब्द का प्रयोग करना। अब शासन के लिए कुछ शासन एक कुछ संज्ञा शब्द है, इसके लिए कोई प्रयोग नहीं हो सकता। अनुशासन भी खुद एक भाववाचक संज्ञा है, इसके लिए भी कोई नहीं प्रयोग हो सकता। अनुशंसा एक क्रिया भी है, इससे नहीं हो सकता। अनुशासित व्यक्ति होता है, क्या होता है, अनुशासित व्यक्ति। तो जब भी कभी किसी शब्द का विशेषण पहचानना हो कि वह शब्द विशेषण है कि नहीं, तो सदैव उसके बाद एक संज्ञा पद लगाते देख लीजिए। तो मैंने व्यक्ति पद अनुशासित के बाद लगाया, शब्द समूह मेरा तैयार हो गया, अतः मैं कह सकता हूँ कि अनुशासित क्या है, क्रिया विशेषण। अनुशासित क्या है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, उसके नीचे क्रिया विशेषण है, इसलिए मुझे उसे क्या लगा। वह धीरे धीरे चल रहा है, वह कैसे चल रहा है, वह धीरे धीरे चल रहा है। किसी भी क्रिया में अगर कैसा पद लगा देते, कैसा प्रश्नवाचक शब्द लगा देने से क्रिया के होने के तरीके के बारे में पता चलने लगे, क्रिया किस प्रकार की हो रही है उस तरह का बोध होना लगे, तो यह जान लीजिए ऐसा शब्द क्रिया विशेषण शब्द होता है। तो धीरे चलने चलना यहाँ पर क्या है, क्रिया विशेषण शब्द है। चलना यहाँ पर क्रिया है, संज्ञा यहाँ पर किसी का नाम होता है, तो नाम यहाँ पर किसी का है नहीं, वह सर्वनाम है, लेकिन रेखांकित शब्द के बारे में पूछ रहा है, इसलिए हम यहाँ पर केवल धीरे धीरे के बारे में देखेंगे और वह क्रिया विशेषण होता है। कहता है स्त्री पुल्लिंग का कौन सा जोड़ा सही नहीं है, देव देवी का प्रयोग करते ही पता है, माँ मामी सही, गधा गधी सही, कांत और कांति दिया हुआ, कांत और कांति, कांति का मतलब, कांत मतलब क्या होता है, कांत मतलब होता है स्वामी पति, और कांत का आजाद स्टाप है सूत्र के द्वारा, टा प्रत्यय लगकर के आ बन करके कांता बनता है, कांता सम्मित तयोग से। मम्मट ने अपने काव्य प्रकाश ग्रंथ में काव्य के प्रयोजन में यह सूत्र दिया हुआ है कि कांता सम्मित तयोपदे, अर्थात यहाँ पर जो सही जुड़ा नहीं होगा वह होगा कांता कांति। हमेशा दोस्तों ध्यान रखिएगा, मैं पहले भी इसकी पर चर्चा कर चुका हूँ कि प्रश्नों को पढ़ते समय ध्यानस्थ होकर प्रश्न पढ़िए, प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है। अक्सर अक्सर हम लोग पढ़ते पढ़ते नहीं पद को छोड़ देते हैं और तभी हमसे गड़बड़ हो जाता है, इसलिए दोस्तों प्रश्नों को बहुत ध्यान से और आराम से पढ़िए। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है और लिंग वचन सदैव कर्ता के अनुसार होते हैं वे क्या कहलाते हैं, दोस्तों जब कर्ता प्रधान होगा तो वहां पर क्या होगा, क्योंकि जब कर्म प्रधान होता है तब कर्मवाच्य होता है, जब क्रिया कर्म कर्म के अनुसार आती है तब वहां पर कर्मवाच्य होता है, जब भाववाच्य में भाव की भाव क्रिया भाव के अनुसार आती है तब वहां पर भाववाच्य होता है, और जब हम क्रिया के सकारात्मक रूप के विषय में बोलते हैं तब वहां पर सरल वाक्य होता है। तो दोस्तों यहां पर कर्ता की प्रधानता की बात की जा रही है, यानी वाच मतलब कथन, यहां पर कर्ता का कथन किया जा रहा है, अतः ऐसी दशा में यहां पर कर्तृवाच्य होगा और दूसरे वाच्य। दोस्तों अगला और अंतिम प्रश्न है कि कबीर तुलसीदास सूरदास आदि कौन से काल के संत कवि हैं। दोस्तों जब कभी भी हम यदि हमें कभी किसी कवि के का काल निर्धारण करना और हमें बताना तो सदैव उसके साहित्य की जो उसकी रचनाओं की जो विषय बिंदु होते हैं, उसकी रचनाओं के जो विषय होते हैं, उनकी रचनाओं के जो विषय, उसी विषय के आधार पर हम उसके काल का चयन करते हैं। ठीक है,
जैसे कभी कबीर सत्संग आप लोगों ने दोस्तों पढ़ा होगा, कबीर ने धर्म का पाखंड का विरोध किया है। तुलसीदास की बहुत प्रचलित रचना है रामचरितमानस, जो कि हिंदू का धर्म ग्रंथ है। सूरदास भक्त श्री कृष्ण के उपासक थे, ये श्री कृष्ण के उपासक थे, ये राम के उपासक थे, और ये उस ये परमात्मा के उपासक थे, निर्गुण के उपासक थे। अतः ये सारे उपासक थे, सारे भक्त थे, इसीलिए ये किस काल से संबंधित हो जाते हैं दोस्तों, भक्ति काल से संबंधित हो जाते हैं। तो कवि की रचनाएं को देख करके हम कवि के विषय में पढ़ और समझ सकते हैं। तो दोस्तों देखा आपने, मैंने आपके लिए कितना कितने महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूँ, और हमने एक प्रश्न में चार चार प्रश्नों की दशाओं को देखा है। तो निश्चित ही आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगला वीडियो मेरा और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को खोज करके लाएंगे आप लोगों के लिए, मेहनत करते हैं और आप लोगों के प्रश्न उठकर के जरूर लेकर के आएंगे, क्योंकि आपका हम पे विश्वास है और आपकी सफलता हमारी सफलता है, आपकी सफलता में हमारा लक्ष्य साध्य है। इसीलिए दोस्तों निश्चित ही आपके लिए हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आएंगे। आप वीडियो पूरा देखिए, हमेशा देखिए, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। इसलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। नमस्कार।